समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया मुझे, जिसका प्रत्येक उपकार उपकारों के बदले उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आप पूर्व काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। है तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष, नदी और पर्वत और पृथ्वी, इनकी सबकी क्रिया प्राय इनके लिए ही होती है। संत जैसे संत होते हैं और वृक्ष, नदी और पर्वत, पृथ्वी, इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए ही होती है। पृथ्वी अपने लिए कुछ नहीं करते, पेड़ अपने लिए कुछ भी नहीं करता, छाए भी करता है तो सिर्फ प्राय के लिए रहता है। नदी जो जल बहती है वो भी दूसरों के लिए ही बहती है। संत भी जो ज्ञान देते हैं वो अपने लिए नहीं देते, वो दूसरों के लिए देते हैं, ताकि इस कलयुग में पाप में घिरे हुए पल को राम नाम के जहाज से अपने गति को ईश्वर की ओर ले जा सकें। इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए होती है, इसीलिए संत को कभी भी अशब्द नहीं बोलना चाहिए, उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। पेड़ के नीचे बैठते हैं, जो आपको छांव देती है उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। जिस नदी में नहाते हैं उस जल का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो माता पिता आपको जन्म दिए, आपके लिए सब कुछ किए, उसका भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए।